मेरा नाम है परवेज, बीजेपी। स्मृति रानी काम कर रही हैं? स्मृति रानी काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो जब से आई हैं बाईपास बनवाई, ब्रिज बनवाई, गरीबों को राशन दे रही, आवाज गरीबों को दिया। मोहम्मद मुनीर, जब से आई हैं स्मृति रानी तब से बहुत काम हुआ यहाँ पे। कई सालों से उनके गांधी परिवार का ही इसमें अमेठी के नाम जानी जाती थी, लेकिन सिर्फ हम लोगों को केवल बेवकूफ़ बनाया गया, ख्वाब दिखाया गया, ज़मीनी हकीकत में कोई काम नहीं हुआ था। जब से स्मृति रानी जी आई हैं काम का प्रयास हो रहा है, विकास हो रहा है, लोगों से वो मिल रही हैं, जुल रही हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन हो, हर चीज़ सारी सुविधा वो मिल रही है। अच्छा ये बताइए कि 7 सालों में योगी जी ने कैसा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है। लोग कह रहे हैं माफिया गुंडागर्दी ये सब कम हुई है। वो उनकी पहचान, वो अपना 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 विचार है, काम तो अच्छा ही कर रहे हैं। मोहम्मद फिरोज, योगी जी ने कैसा कामकाज किया है? अच्छा काम किया है योगी जी ने। गुंडागर्दी माफियागिरी कम हुई है या बढ़ रही है? कम हो गई है गुंडागर्दी, पहले हमको मिला है। अच्छा, शौचालय बनाया? हाँ, शौचालय हमारे यहाँ बना है। बहुत कुछ मोदी ने किया है और योगी सरकार ने भी किया है, स्मृति रानी भी किया है। जब से आई हैं स्मृति रानी तब से बहुत काम हुआ यहाँ पे। सर क्या नाम है आपका? फारूक। कहाँ से है? अमेठी। अमेठी से कौन जीत रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। आपको लगता है स्मृति रानी ने काम किया है यहाँ पे 5 साल में? वो काम किए हैं तभी तो फिर से दोबारा पर्चा भरी हुई है। अच्छा ये बताइए योगी जी ने कैसा काम किया है? योगी के कार्यकाल ठीक है। गुंडा राज माफिया राज खत्म हुआ है या बढ़ रहा है? गुंडों पे लगाम लगी है। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी? राहुल गांधी क्या, वो तो अमेठी से भी उनका क्लियर ही नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि उन्होंने काम नहीं किया, उनको डर सता रहा है कि हमने काम नहीं किया हार जाएंगे। दीदी ने काम किया है इसीलिए वो सीना ठोक के वो आ रही हैं। 4 दिवसीय दौरे पर अमेठी आ रही हैं, 3 दिवस जितना वो आई हैं अमेठी दौरा की हैं उतना राहुल गांधी कभी नहीं किए। अच्छा हमने सुना है कि जब स्मृति रानी यहाँ से सांसद बनी तभी उन्होंने सिटी स्कैन मशीन लगवाई, उससे पहले नहीं था यहाँ पे? जी एकदम राइट बात। गांधी परिवार कुछ नहीं कर रहा था यहाँ? कुछ नहीं, केवल ख्वाब दिखाया जा रहा था बस। आज कई सालों से उनके गांधी परिवार का ही इसमें अमेठी के नाम जानी जाती थी, लेकिन सिर्फ हम लोगों को केवल बेवकूफ़ बनाया गया, ख्वाब दिखाया गया, ज़मीनी हकीकत में कोई काम नहीं हुआ था। जब से स्मृति रानी जी आई हैं काम का प्रयास हो रहा है, विकास हो रहा है, लोगों से वो मिल रही हैं, जुल रही हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन हो, हर चीज़ सारी सुविधा वो मिल रही है। आपको लाभ मिला है? हाँ, हमको जो पात्र हैं वो पाए हैं ना, जो उसके लाभ हैं जो पात्र हैं वो पाए हैं। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी? राहुल गांधी क्या, वो तो अमेठी से भी उनका क्लियर ही नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि उन्होंने काम नहीं किया, उनको डर सता रहा है कि हमने काम नहीं किया हार जाएंगे। दीदी ने काम किया है इसीलिए वो सीना ठोक के वो आ रही हैं। 4 दिवसीय दौरे पर अमेठी आ रही हैं, 3 दिवस जितना वो आई हैं अमेठी दौरा की हैं उतना राहुल गांधी कभी नहीं किए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परवेज। कहाँ से आप? अमेठी से। अमेठी से कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। स्मृति रानी काम कर रही हैं? स्मृति रानी काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो जब से आई हैं बाईपास बनवाई, ब्रिज बनवाई, गरीबों को राशन दे रही, आवास गरीबों को दिया। आपको मिला? घर घर शौचालय बनवाया। आवास आपको मिला? हमने आवास लिया नहीं, मिल रहा था मगर हमने लिया नहीं है। शौचालय हमको मिला है। अच्छा, शौचालय बनाया? हाँ, शौचालय हमारे यहाँ बना है। बहुत कुछ मोदी ने किया है और योगी सरकार ने भी किया है, स्मृति रानी भी किया है। 6 साल के अंदर में बहुत काम किया है। आपको लगता है योगी राज में गुंडा राज और माफियागिरी खत्म हो रही है? हाँ, बहुत कम हो रही है, बहुत कम हो रही है। तो प्रधानमंत्री इस बार किसको बना रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे फिर रहेंगे। राहुल गांधी? अब तो समय पर आने पर देखा जाएगा। हम तो बीजेपी पार्टी के हैं, हम तो अपनी पार्टी को वोट देंगे, हम बीजेपी को वोट देते हैं और जीतेंगे स्मृति रानी अमेठी से। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुनीर। कहाँ से हैं? अमेठी। अमेठी से कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। स्मृति रानी काम कर रही हैं? जी जी, बहुत काम हुआ। अरे अभी बाईपास वास ककुआ रोड पे पूरा ओवर ब्रिज बना, बीजेपी अच्छा काम की है यहाँ पे। राहुल गांधी नहीं करते थे? राहुल गांधी नहीं करते थे। जब से आई हैं स्मृति रानी तब से बहुत काम हुआ यहाँ पे। अच्छा ये बताइए योगी जी का कामकाज कैसा है, 7 साल हो चुके उन्हें? ठीक है, अच्छा काम है उनका। जो गलत लोग थे वो जान लो अब सुधर गए हैं ढेर। योगी की सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है, गुंडागर्दी एकदम खत्म हो गया जान लीजिए। नए आदमी को चलने में जान लो दुश्वार था, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि प्रधानमंत्री इस बार कौन बन रहा है? मोदी जी बनेंगे। राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं बनेंगे।
मोहम्मद फिरोज। कहाँ से आप? अमेठी। अमेठी। अमेठी से कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। अच्छा ये बताइए कि योगी जी ने कैसा कामकाज किया है? अच्छा काम किया है योगी जी ने। गुंडागर्दी माफियागिरी कम हुई है या बढ़ रही है? कम हो गई है गुंडागर्दी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर। कहाँ से आप? अमेठी से। ये बताइए अमेठी से जीत कौन रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? दीदी जीतेंगे, और कांग्रेस काम ही नहीं किया कोई। स्मृति ईरानी ने काम किया है जी जी जी। लेकिन यहाँ पर तो गांधी परिवार बहुत सालों से जीतता आया है। अभी तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनको लड़ना चाहिए, खुद ही अपन बेइज्जती करा रहे हैं तो क्या करें लोग। उनको डर सता रहा है पहले से ही, तो आगे देश क्या चलाएंगे। अच्छा ये बताइए कि 7 सालों में योगी जी ने कैसा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है। लोग कह रहे हैं माफिया गुंडागर्दी ये सब कम हुई है। वो उनकी पहचान, वो अपना 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 विचार है, काम तो अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं? वही मोदी जी, और कौन से बन रहे हैं, उनसे अच्छा कौन है? राहुल गांधी। अरे वो लड़के हैं अभी, उनसे अच्छा कोई नहीं है। अभी लड़के हैं जो अमेठी सीट से नहीं लड़ रहे हैं तो क्या लड़के ही कहे जाएंगे, क्या कहें उनको। मोहम्मद सरवर। कहाँ से? अमेठी से। अमेठी से कौन जीत रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? अभी तो देखो क्या होता है इलेक्शन में। बताइए कि 5 सालों से स्मृति ईरानी यहाँ की सांसद है, कुछ काम वाम कर रही हैं? नहीं काम तो कर रही हूँ। ये बताइए योगी जी ने कैसा काम किया 7 सालों में? ठीक काम ही किया है अपने हिसाब से भी कह रहा हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामता प्रसाद गुप्ता। कहाँ से? अमेठी से। अमेठी से कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? पता नहीं, जो जीतेगा वही, अब हमको क्या पता कौन जीत रहा है कौन नहीं। अच्छा योगी जी ने कैसा काम किया? ठीक है काम तो किए हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? राम कुमार। कहाँ से हैं? अमेठी से। कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? अब आपको नहीं मालूम कौन जीतेगा सर, जो जीतेगा वही हमारे लिए सब सब कुछ काम किया है, जो जीतेगा वही जिताएंगे। अच्छा ये बताइए योगी जी ने कैसा काम किया? काम तो अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए। सर क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा नाम है। कहाँ से आप? गौरीगंज से। ये बताइए कि अमेठी से जीत कौन रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? अभी तो अब इलेक्शन होने के बाद ही डिक्लेयर होएगा, मगर बीजेपी की ही जलवा चल रहा है अभी तो इस समय। स्मृति ईरानी काम कर रही है यहाँ पे? भाई हमारे यहाँ काम की गौरीगंज में, गौरीगंज में ही मुख्यालय बना है, सब कुछ हमारे पास सारी सुविधाएँ हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आगे तो जिसकी मर्जी अपना अपना समझे, भाई अपनों को मिला है। ये बताइए कि योगी जी ने 7 सालों में कैसा काम किया? योगी जी ने तो सबसे बड़ा तो जो अपने माँ बेटी बहन घूमती थी, माफिया लोग जमीन कब्जा करते थे, चाचा पिति पट्टीदार जमीन कब्जा करते थे, वो मामले में तो आज तक क्लियर है, कोई आज एक बिस्सा जमीन कोई कब्जा नहीं कर सकता है योगी जी की राज में। हम गरीब आदमी हैं, हमको इतना मालूम, बाकी तो हम ऊपर बता नहीं सकते हैं क्या है क्या नहीं है। तो इस बार प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? मोदी जी आएंगे, आना ही आना है।